हाँ, लेखक शास्त्र की जो परिपाटियां हैं, कन्वेंशन जो है, उसके अंतर्गत हम पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत जान रहे हैं, जो कि एक सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, उससे काफी कुछ मेल खाता है। पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत यानी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसमें लेखांकन जो है ना, कुछ लीगल जो नीड्स होती हैं उनके लिए तो किया ही जाता है, लेकिन कुछ इसलिए भी किया जाता है कि आप जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो व्यवसायी को या अन्य पक्षकार जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको प्रभावित करता है, तो उन समस्त आर्थिक कार्यों को हम अकाउंटिंग बुक्स में जरूर लिख लेते हैं। आर्थिक कार्य मतलब जिनमें मनी शामिल है, ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, उन्हें अलग अलग दिखाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको डुअल कॉन्सेप्ट में बता रहा था, ऊपर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पहले भवन नहीं था, तो हमारे पास 1 लाख का कैश था, लेकिन जैसे ही भवन हमने ले लिया तो हमने कहा कि कैश 80,000 बचा है और 20,000 का भवन, तो हमने संपत्तियों को अलग अलग दिखाया ना, तो ये अलग अलग हम दिखाएं, ये पहली बात है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जो व्यय है और आय है उन्हें भी अलग अलग दिखाएं, उन्हें एक ना करें। इसी के अंतर्गत बच्चों मैं आपको बताऊं, 2 प्रकार के एम्प्लॉयज होते हैं, एक वह होते हैं जो प्रोडक्शन के कार्य में लगे होते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी मजदूरी को हम मजदूरी बोलते हैं, उनके रेगुलर पारिश्रमिक को हम मजदूरी बोलते हैं, और जो लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उनके पारिश्रमिक को हम सैलरी बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि व्ययों को अलग अलग लिखा जाए, ताकि हम ये जान पाए कि फैक्ट्री में कितना हमें पारिश्रमिक देना पड़ा और ऑफिस में कितना पारिश्रमिक देना पड़ा, तो हमने उनके नाम अलग अलग रख दिए। फैक्ट्री के पारिश्रमिक को हमने क्या बोल दिया, वेजेस, और ऑफिस के पारिश्रमिक को क्या बोल दिया, सैलरी। तो हर प्रकार के आय और व्यय को हम अलग अलग नाम देते हैं। कोई भी सूचना दी जाए या ना दी जाए, ये केवल इसी बात पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि वह सूचना बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब यह नहीं कि हर चीज आप लिखते ही चले जाए, कोशिश तो यही कि हर चीज आप लिखें, लेकिन वह महत्वपूर्ण हो तो जरूर लिखें, उसका महत्वपूर्ण होना अनिवार्य है। पहली बात, जितनी भी महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी को हम हर हाल में रिकॉर्ड करते हैं, और भारत में कंपनी अधिनियम है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम है, उनमें जो है पूर्ण प्रकटीकरण के उद्देश्य से कुछ प्रारूप दिए गए हैं, उन समस्त प्रारूपों में आप सारी सूचनाएं यथा व्यवस्था दिखाते हैं। ये पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत जो है या जो परिपाटी है इसी के अंतर्गत होता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हर महत्वपूर्ण आर्थिक घटना को हम अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज करते हैं, उन्हें दिखाते हैं और सेपरेट दिखाते हैं। संपत्तियों को अलग अलग दिखाएंगे, व्ययों को अलग अलग दिखाएंगे, उनको एक साथ मिंगल नहीं करेंगे, मिला नहीं देंगे, उसे इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर आता है दूसरा, सारता। ये जो सारता यानी कि मटेरियलिटी का जो कन्वेंशन है, ये पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत को ही थोड़ा सा क्लेरिफाई करता है, उसको बताता है। जैसे पहले आपने पढ़ा पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, किसी की माइक ऑन है आप कीजिए प्लीज। पूर्ण प्रकटीकरण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हर महत्वपूर्ण सूचना को आप लिखेंगे ही अकाउंटिंग बुक्स में, लेकिन ये कहता है कि भाई हर महत्वपूर्ण सूचना को लिखना ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है, इस पे जरूर ध्यान दे लीजिए। जैसे ये कहते हैं कि अगर कोई सूचना आपको तो महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन उसका प्रभाव हमें, उसका लाभ, उस सूचना को रिकॉर्ड करने का लाभ हमें उतना नहीं मिलेगा जितना कि सूचना को रिकॉर्ड करने में खर्चा आ जाएगा, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब उदाहरण से समझिएगा, जैसे एक तरफ ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जब यूज की जाए, जिस साल यूज की जाए, उसको उसी साल केवल दिखाया जाए। ये बात क्लियर है ना भाई? आपने जो खर्चा जिस वर्ष किया उसी अकाउंटिंग अवधि में तो उसे दिखाया जाना चाहिए, ये अकाउंटिंग का सिद्धांत है हमारा, पीछे भी हमने यही पढ़ा। लेकिन इसको फॉलो करते हुए आप बहुत ज्यादा रिजिड ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेंसिल जो है वो 25 मार्च को नई पेंसिल निकाली, उसको शार्प किया और आपने उसे यूज करना शुरू किया अकाउंटिंग बुक्स में। अब मार्च के 25 मार्च को आपके बचेंगे 6 दिन, 6 दिनों में जरूरी नहीं कि पेंसिल पूरी खत्म हो जाए, ठीक। अब हो सकता है अप्रैल के 17 अप्रैल तक आपने वही पेंसिल यूज की, तो अब आप कहें कि नहीं भाई, जो खर्चा जिस साल हुआ है उसको उसी साल दिखाएंगे, हम तो दिखाएंगे क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये मूर्खता मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पेंसिल जो है, अब मान लिया 5 रुपए की पेंसिल है,
उसमें से आपने कितनी 6 दिनों में यूज कर ली है, इसे क्या आप माप करके तय करेंगे। कभी कभी शार्प करते समय पेंसिल टूट जाती है तो दोबारा शार्प करना पड़ता है, तो आप इसे कैसे तय कर पाएंगे कि कितनी पेंसिल कितने 5 रुपए में से कितने रुपए 31 मार्च तक खर्च हो गए और कितने रुपए आगे चले गए। जैसे होता ना इंश्योरेंस में आपको कहा था कि अगर किसी ने मान लिया 12 महीने का इंश्योरेंस पे किया और वो पे किया है उसने 1 जुलाई को, ठीक, तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक चलेगा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च को जब ध्यान से देखा जाएगा तो ये पाया जाएगा कि 3 महीने का इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में दिया गया है, लेकिन चूंकि उसकी रकम पर्याप्त है तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे अकाउंटिंग बुक्स में एक एडजस्टमेंट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं और करेंगे। लेकिन पेंसिल जो 5 रुपए की है उसमें ये तय करने में जितने क्लर्क लग जाएंगे उसकी सैलरी पे जितना खर्च हो जाएगा उतना पेंसिल को बचाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, समझ रहे ना। तो ये इनमटेरियल है, यानी कि ये निस्सार बात है कि पेंसिल का कितना खर्च हुआ कितना नहीं खर्च हुआ। इसमें क्या सिस्टम रहता है, जो भी स्टेशनरी आपने अंडर यूज कर लिया, जैसे अगर आपने पेंसिल को शार्प कर लिया है तो वह इसी साल अब मान ली जाएगी। हाँ, अगर कोई पेंसिल या स्टेशनरी और भी जितनी है उसका कोई स्टॉक ऐसा है जो अभी अनयूज्ड है तो उसे स्टॉक में अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट रहेगा। जैसे आपने कोई रजिस्टर पे लिखना शुरू कर दिया तो ये पिछले साल अगर आपने लिखना शुरू कर दिया था तो वो रजिस्टर पिछले साल के ही खर्चे में जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो अभी अनटच्ड हैं जिन्हें आपने शुरू नहीं किया है तो वो आपके खर्च का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें आप स्टेशनरी के स्टॉक में शामिल करते हुए ओवरऑल स्टॉक में शामिल कर लेंगे और वह अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर कोई भी स्टेशनरी अंडर यूज आ जाती है तो वो उसी साल का खर्चा मान लिया जाता है, भले हम उसका उपयोग आगे भी करते हैं। क्लियर है ना। पेन यूज करना शुरू किया तो कितने रिफिल खर्च हो गए पता लगे, उसको सेंटीमीटर में आपने नापना शुरू किया घंटों नापा तो इसमें जो स्टाफ लगेगा ना उनकी सैलरी पर आप उस रिफिल से कहीं गुना ज्यादा पेमेंट आप कर देंगे, तो ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा। तो अकाउंटेंसी भी इतना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करती है, उसके यहाँ इसीलिए कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ अकाउंटिंग अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है वर्ल्ड लेवल पर, ये कहता है कि मटेरियल थिंग्स को ही रिकॉर्ड करें। कोई भी मत सारपूर्ण उस समय होता है यह समझा जाता है जब उसका ज्ञान या तो व्यवसायी को या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके निर्णय को प्रभावित करे। अब पेंसिल कितनी यूज की कितनी नहीं की इससे किसी का निर्णय अफेक्ट नहीं होने वाला है, बस समझ में आ रहा होगा। इस सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेन देनों का उल्लेख किया जाता है जिनके परिणामों के लिए जिनकी उपयोगिता होती है और महत्ता होती है। सारहीन तथ्यों की उपेक्षा यानी कि उनको इग्नोर किया जाता है। ऐसे तथ्य सारहीन कहलाते हैं जिनका वित्तीय निष्कर्षों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। पेंसिल में से अगर आपने 2 रुपए इधर नहीं लिखे और आगे 2 रुपए लिख लिए तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बड़े ट्रांजेक्शन है जैसे इंश्योरेंस, अगर आपने मान लिया 24,000 का इंश्योरेंस चुकाया था 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो अगर 3 महीने का इंश्योरेंस आप निकाले तो 6,000 अगले वर्ष का है तो 6,000 महीने रखेगा, क्योंकि 6,000 से प्रॉफिट या लॉस कम और ज्यादा होगा, तो ये परिणामों को प्रभावित कर रहा है। 2 रुपए से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला, उस पर क्लर्क जो लग जाएंगे उनकी सैलरी पे 2 रुपए से कई गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा, शायद आप बात समझ गए होंगे। पेंसिल का इन्होंने उदाहरण भी शायद दे दिया है, छोटे मूल्य की वस्तु जिनका उपयोग भले ही संपत्ति के रूप में किया जाता हो उन्हें हम व्यय ही मान लेते हैं, जैसे कि पेंसिल, ठीक है। पेंसिल भी अन्य संपत्तियों की भांति व्यवसाय की संपत्ति है, पर उस पर भी अन्य संपत्तियों की भांति हम ह्रास नहीं लगाते, जो कि लगाया जा सकता है। ह्रास का मतलब 6 दिनों में हमने जो पेंसिल यूज की कितना खर्च हुआ कितनी कीमत बची रह गई, ये सारा काम धाम हम सभी कर सकता है, लेकिन इस पर नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और इस पर डेप्रिसिएशन लगाने पे ओवरऑल कवायद ज्यादा होगी और फायदा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसका मूल्य इतना कम है कि वित्तीय जो परिणाम है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ वित्तीय प्रमाण लिख गया है, प्रमाण की जगह परिणाम होगा, ये वित्तीय प्रमाणों पर कोई प्रभाव नहीं होता, वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। इससे संपत्ति के रूप में इसीलिए आप नहीं मानते, इसे क्या मानते हैं, व्यय मानते हैं, शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम केवल सारवान मदों को ही लिखते हैं, सारहीन मदों को अकाउंटिंग में नहीं लिखते, और ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि अगर इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तब तो हम पेंसिल पर भी लगाएंगे, रजिस्टर पर भी डिप्रिसिएशन लगाएंगे, हम केवल बड़ी संपत्तियों पर या यूं कह ले स्थायी संपत्तियों पर ही डिप्रिसिएशन।
खैर एक और बात आती है समरूपता, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। समरूपता का मतलब आपने अलग अलग नाम से इसे पढ़ा था, इसमें भी आप उसमें आपने कंसिस्टेंसी की अवधारणा पढ़ी थी, सिद्धांत के रूप में पढ़ा था। यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि आप जो भी पद्धति अपनाएं मूल्यांकन की स्टॉक की, वो एक ही अपनाएं हर साल, बार बार ना बदलें। इसी तरह से डिप्रिसिएशन की कोई भी विधि अगर आपने एक साल अपना ली है तो उसे भी आप बार बार ना बदलें। इसमें कुछ भी नया नहीं है, पहले की जो आपने अवधारणाओं सिद्धांतों में पढ़ा है ये कन्वेंशन भी वही है। आप कहेंगे कि सर फिर कन्वेंशन हम दोबारा इसी नाम से क्यों पढ़ रहे, क्योंकि ये एक तरफ तो सिद्धांत है थ्योरी में और दूसरी तरफ अकाउंटेंट इसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये हमारी परिपाटी में भी है, प्रयोग में भी आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे दोहराया गया। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर केवल थ्योरी और प्रैक्टिकल का है। सतर्कता, कंजर्वेशन ऑफ आर प्रूडेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संभावित लाभों को पुस्तकों में नहीं दिखाएंगे और संभावित जो हानियां हैं उनको पुस्तकों में दिखाएंगे, उनके लिए प्रावधान करेंगे। तो ये जो सतर्कता है प्रूडेंस, इसको कंजर्वेशन, आपने रूढ़िवादिता का सिद्धांत पढ़ा था ना, कि रूढ़िवादिता की अवधारणा ये उसी पर आधारित है। अब कह लें कि वही है तो अंतर नहीं है, बस खाली ये अकाउंटेंट कर रहे हैं ये बताने के लिए किया गया। ये परिपाटी भी है और ये सिद्धांत भी है, ये अवधारणा भी, इसमें भी सब कुछ वही है कि आप फ्यूचर के लॉसेस का जो है जिक्र करेंगे, उसका प्रावधान करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स का नहीं करेंगे। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पे या बाजार मूल्य, दोनों में से जो कम होगा उसी पर। बात समझ में आती? तो इसी के साथ ये जो थ्योरी बेस था आपके अध्याय दो का, वो यहाँ पर पूरा होता है। आप कहेंगे कि सर ये कन्वेंशन तो वही थे लगभग जो सिद्धांत थे, है ना, लेकिन इसमें एक चीज खाली नहीं है, ये सार्थक का सिद्धांत, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी पूछा भी जाता है, और एक ऊपर वाला फुल डिस्क्लोजर का, हालांकि ये प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी जो था ऊपर उसी के जैसा है, लेकिन यह भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी समझने के लिए भी आपने पाया होगा कि ये दोनों कन्वेंशन काफी इम्पोर्टेंट है, बाकी इससे पहले वाली तो उन्हीं चीजों का रेपिटेशन। तो खैर ये बात बच्चों आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी, फिर भी मैंने अभी जल्दी जल्दी में जो ये चीजें बताई हैं आपको इन्हें पढ़ना रहेगा, और पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट होगा तो पूछना रहेगा। अभी एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है कहीं पे किसी शब्द पे या किसी बात पे तो पूछ लीजिए। सबसे पहले पूर्ण पुष्टिकरण का सिद्धांत देखिए क्या समझ में आता है। अगर किसी को लगता है कि कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है। दूसरा है सार्थक का सिद्धांत, आपने तो कुछ भी सुना अभी मेरे शब्दों में ये जो बुक में लिखा है उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सार युक्त की जो अंग्रेजी है वो क्या होती है, और सारहीन की अंग्रेजी क्या होती है? अभी हमने बोली है बातों बातों, अगर याद हो तो लिखा ही है, कार्युक्त के लिए मटेरियल आएगा, कार्युक्त यानी कि मटेरियल, ठीक है, मटेरियल थिंग्स, सारयुक्त वस्तु है, और सारहीन वस्तु के लिए क्या आएगा, इमटेरियल, आई एम लगा दीजिए, बाकी मटेरियल रह दीजिए, इमटेरियल यानी निसार, निरर्थक कह दीजिए, ठीक है। तो समरूपता आता है कंसिस्टेंसी, इसमें वही बात है कि जो नियम आपने पिछले साल लगाए थे वही नियम, वही सिद्धांत और वही मेथड्स आप इस साल भी यूज करें, उनको परिवर्तन तब तक न करें जब तक कि ऐसा करना किसी उद्देश्य विशेष से अनिवार्य न होते। और कंजर्वेशन थ्योरी भी यही कहती है, भाई आप रूढ़िवादी हैं, कुछ चीजें फ्यूचर लॉसेस की आप व्यवस्था करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स की व्यवस्था नहीं करते, है ना सर। सारता परिपाटी में एक लाइन है सर नीचे दूसरे पैराग्राफ की, यह आवश्यक नहीं कि एक बार सारहीन मानी गई मदे हर क्षेत्र में और हर समय सारहीन ही रहे। सर मदे का मतलब क्या है? मदे का मतलब होता है आइटम, जैसे सैलरी एक आइटम है, पेंसिल एक आइटम है, पेन एक आइटम है, तो आइटम यानी मदे, ठीक है। तो कोई भी मद जो है किसी एक बिजनेस में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन दूसरे बिजनेस का महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। तो हम ये भी देख लेंगे कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, ओके।
उसके आधार पर हम उसे या तो मटेरियल मानेंगे या इमटेरियल मानेंगे। लेकिन आप जिस बिजनेस में, अगर वहां पर वो इमटेरियल है तो उसका लेखा नहीं करेंगे, अगर वो मटेरियल है, सारयुक्त है, तो उसका लेखा करेंगे। मद का मतलब आइटम से होता है, आइटम में सैलरी है, रेंट है, फर्नीचर है, ये सब आइटम है, जो कुछ भी खातों के नाम है, एक्चुअली ऑल दीज आर आइटम्स, ये मत कह जाते हैं। तो और किसी बच्चे को कुछ पूछना है अभी इस चैप्टर में? नीचे कुछ प्रश्न दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न, इनके उत्तर आपको अपने हाथों से ढक लेने हैं, हाथों से या किसी भी चीज से ढक लीजिए और बड़ी ईमानदारी से आप इनके उत्तर दीजिए। उत्तर देने के दौरान बच्चों, जहां पे आपको लगे कि आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं था, उसको आप अपने नोट में शामिल कर लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न डालिए, जो आपसे गलत हो गया है उसे आप शामिल कर लीजिए। मान लीजिए कि उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको आपको बार बार अभी रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर तभी पाएंगे जो आपने नोट्स में उन्हें शामिल कर लिया। ठीक है, तो एक से ये आपके सात तक के यहाँ पे जो दिए गए हैं विकल्प, सही विकल्प आपको चुनने होंगे। जैसे एक आज चलिए करते हैं, चिट्ठा उचित व सही चित्र प्रस्तुत करता है कब? जब समस्त व्यवहारों को पूंजीगत मान ले, समस्त व्यवहारों को आयगत माना जाए, समस्त व्यवहारों में से कुछ को पूंजीगत और कुछ को आयगत व्यवहार पर विभाजित कर दिया जाए या कुछ भी ना किया जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर तीसरा वाला, समस्त व्यवहारों पूंजीगत में विभाजित कर दिया जाए। तो बड़ा आसान है, साफ साफ दिखता ही है, कुछ ना किया जाएगा तो कैसे चिट्ठा प्रस्तुत करेगा, तो ये तो गलत ही हो गया। और समस्त व्यवहारों को आप ना तो पूंजीगत मान सकते हैं ना आयगत मान सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही वाला थर्ड हो जाएगा जो आपने सही बताया है। ऐसे ही बाकी के सारे पॉइंट्स का आप अभ्यास करेंगे। सत्य सत्य के कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं, इनसे दरअसल आप ये चेक कर पाएंगे कि आपने वास्तविकता में इस चैप्टर को कितना पढ़ लिया। और मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि डायरेक्टली आप इन्हें देखने से पहले बेहतर होगा कि एक बार इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लें अच्छे से और फिर आप इनके आए, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो ये दिए गए हैं, इनमें से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी अगर प्रश्न का उत्तर लगता है कि हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चैप्टर में अभी कुछ कमी रह गई। तो आप उस प्रश्न को मुझसे पूछ लेंगे तुरंत कि सर हमें इसका नहीं मतलब समझ में आ रहा है, इसका उत्तर क्या? वैसे आपको उत्तर दिख जाएगा, पीछे टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको तुरंत मुझसे उसका उत्तर पूछ लेना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने, अगर आपने इनके नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी पे लिखने हैं जो जो यहाँ दिए गए। अगर नोट्स आप टॉपिक वाइज बना चुके हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में शामिल करने की जरूरत नहीं है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप खुद को बोल करके सुनाइए, क्योंकि आप पहले से नोट्स बना चुके हैं तो आपको ये आने चाहिए, नोट्स आपने वहां से पढ़ लिए होंगे। या अगर आपको अभी याद नहीं हुए तो आप नोट्स खोल लीजिए और उनको देख देख करके इनके उत्तर दोहराइए, ये अभ्यास आपको करना रहेगा। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्नों के साथ भी यही करना है और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के साथ भी आपको यही करना है। कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट लिख रखा है, ठीक है, वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है भी, तो आप उन्हें उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। तो बाकी के नीचे उत्तर वगैरह दिए गए हैं, ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाएगा बच्चों। कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे, कल लाइव क्लास आपकी नहीं होगी अकाउंटेंसी की, आज कंफ्यूजन वाला, कल जो है आपकी 9 बैचेस से जो क्लास होगी उसे हम लाइव क्लास के रूप में ऐसे ही लें या उसके वीडियोस बना करके आपको प्रस्तुत करें, जैसे कि इकोनॉमिक्स में कुछ वीडियोस पहले से बने हुए हैं, आप क्या चाहेंगे? क्योंकि लाइव क्लास में मुझे दिखता है कि बच्चे पूरे अटेंड नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा सा फायदा ये मुझे मिल जाता है कि जब आप लोग कुछ बीच में पूछ लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये चीज, ये पॉइंट मुझे ज्यादा बतानी चाहिए थी, मैं कम बता रहा, इतना तो होता है। लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं उन्हें लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि 9:35 से आपकी लाइव क्लास ही लेनी होगी मुझे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, या आप चाहते हैं कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो, यानी कि मैं वीडियो बना लूं डायरेक्टली आपको वीडियो लिंक, क्या बेहतर मानेंगे आप अपने लिए, जिसमें आपको ज्यादा फायदा हो? मैं तो हर तरह से प्रस्तुत हूँ आपके लिए। सारे बच्चे अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दें, सबको यहाँ अपनी अपनी राय देनी है, कोई भी चुप नहीं रहेगा। मिताली सबसे पहले, लाइव क्लास सारे बच्चे बताएं बारी बारी से। आस्था, यस सर, लाइव क्लास।
लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लासेस से सर लाइव क्लास। एक्चुअली आप लोग तो, मैं शायद गलत जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग तो लाइव क्लास वाले हो ही, खैर तो आप लोगों को लाइव क्लास अच्छी लगेगी क्योंकि आप लोग जुड़ पा रहे हैं। लाइव क्लास के अपने एटिकेट होते हैं बच्चों, जो सारे बच्चों को एक्चुअली नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो अगर कोई बच्चे आपके संपर्क में तो उन्हें सिखाइए कि उन्हें लाइव क्लास में कैसे जुड़ना होता है, क्या करना होता है। अब वो हमसे अगर जुड़ेंगे नहीं तो उनको किस उतरेंगे। लाइव क्लास तो एक माध्यम है जिसमें हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, कोई प्रैक्टिकल चीज सिखा पाते हैं, है ना। तो बाकी बच्चों को फिर कहिए, फिर 9:35 से हम लाइव क्लास ही लेते रहेंगे और अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर को आप फिनिश कर लीजिए अपनी तरफ से। हम ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे चैप्टर जो है इनका टेस्ट एक ले लिया जाए। कब देना चाहेंगे टेस्ट? टेस्ट नहीं देना चाहते हैं क्या? अगर टेस्ट नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने कितना सीखा। नहीं देना टेस्ट सर, मंडे को ले लीजिए। सारे लोग बताएं मंडे को, जिन जिन को प्रॉब्लम है वो बताएं। मंडे को देखिए, टेस्ट के लिए अगर हम आपको अभी अगर 7 दिन का अभी वक्त देते हैं तो भी आप लास्ट के 2 दिनों में ही तैयार करोगे, ये स्टूडेंट साइकोलॉजी होती है। तो इसीलिए आपको 2 दिन का वक्त है, सैटरडे और संडे लीजिए टाइम, बढ़िया से तैयार कीजिए। नोट्स आप लोग बनाते चल ही रहे होंगे आई थिंक, तो नोट्स का ज्यादा काम बचा नहीं होगा। तो नोट्स आप चाहे टॉपिक वाइज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इन्हें तैयार कीजिएगा, पीछे जो क्वेश्चंस हैं आपका जो टेस्ट आएगा इन क्वेश्चंस में सही आएगा। तो आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छा है। उनकी खासियत ये होती है कि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रश्न लिखते हैं तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर भी लिख लीजिए, तो भी उन टॉपिक से कई ऐसे प्रश्न बन जाएंगे जो यहाँ नहीं दिए गए। इसीलिए टॉपिक वाइज नोट्स बनाना बेस्ट होता है, आपने सही किया है। तो टेस्ट होगा मंडे को, तैयार रहिएगा आपको। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। Please be happy, be smiling, goodbye.